अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ महरोज़ और आप देख रहे हैं एसएम के कार क्लब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पाकिस्तान में गाड़ियों के हालात हैं और पुरानी से पुरानी गाड़ी जो है वो इस वक्त आपको रोड पे नज़र आएगी, चाहे बेशक वो कम है तादाद में लेकिन हैं ज़रूर। वो इसलिए कि उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है और ना ही कोई हुकूमती इदारे जो हैं वो इन चीज़ पे कोई जो है वो सीरियस लेते हैं इस बात को। ट्रक ट्रॉले और बाइस व्हीलर्स जितने भी आपको आसपास नज़र आ रहे हैं सारों का जो है वो बेड़ा गर्क हुआ है। तो बताने का मकसद ये है कि अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने एक दोस्त हामिद से बात कर रहा था, मुझे पता लगा कि कल का दिन उन पर काफ़ी भारी है रहा है। तो पूछने पर मालूम ये हुआ है कि उन्होंने आज से पहले एक गाड़ी ली थी शेवरले जॉय के नाम से। वो गाड़ी इन्होंने 2006 या 2007 मॉडल ली थी और जब उन्होंने ली है तो माशाल्लाह बड़ी तारीफ़ों के फूल बांधते थे गाड़ी की, बहुत अच्छी है और गाड़ी जैसा कोई है नहीं, अच्छी भी चली है वो, नो डाउट ऐसा कोई मसला नहीं था। लेकिन चूंकि वो एक बहुत पुरानी गाड़ी थी, 2006-07 मॉडल है, तो आपको जाहिर है ऊपर से गाड़ी उस तरह नज़र नहीं आती जिस तरह वो असल में होती है अंदर से। तो अभी कल का दिन पे काफ़ी भारी रहा है कि गाड़ी की जो है वो क्लच की तार टूट गई है और फिर उन्होंने जो है वो एक दफ़ा क्लच नया लगवाया और जनाब उनका जो है वो क्लच फिर टूट गया उसी दिन ही, उसी वक्त ही थोड़ी देर बाद। फिर उन्होंने उसको सही करवाया, वो फिर टूट गया और जब उसके बाद उन्होंने सही करवाया तो फिर वो जब टूटा है तो उसके बाद वो सही नहीं हो सका। रीज़न कि वो जहाँ पर लगता था क्लच वो चीज़ ही टूट गई है, उसको कोई चादर वगैरह कहते हैं मुझे कुछ मालूम नहीं है, बहरहाल वो मुझे बता रहे थे। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना अपने व्यूवर्स को ये बताया जाए कि गाइस जब भी आप कोई गाड़ी लें तो कोशिश करें कि वो एटलीस्ट इतनी पुरानी ना हो कि वो आपकी उम्र से भी ज़्यादा बड़ी गाड़ी हो, और एटलीस्ट इतनी जो है वो नई हो और इतनी साफ़ सुथरी हो कि वो आपको रोड पे चलते हुए तकलीफ़ ना दे। क्योंकि गाड़ी खरीदने का मकसद इंसान का सहूलत है, और अगर वो सहूलत ही आपकी पूरी नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि इन चार टायरों का कोई फ़ायदा भी है आपको, इससे बेहतर आपके दो टांगे ही हैं। तो मेरी अभी उनसे बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि जी हम अक्सर देखते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट जो है वो सेलिंग प्लेटफॉर्म है, जिस तरह ओएलएक्स हो गया, ये पार्क व्हील्स हो गया, ये सारी गाड़ियाँ इधर जो एड्स लगी होती हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट गाड़ियाँ 2006 मॉडल, 2002 मॉडल, 2005 मॉडल की गाड़ियाँ लोग 16-16 लाख, 15-15 लाख, 20-20 लाख मांग रहे हैं। इवन के जब वो गाड़ियाँ न्यू आई थी तब जो उनकी जो है वो प्राइस थी, जो उनकी एक्सपेक्टेड प्राइस थी, उससे भी 2-3 लाख रुपए ज़्यादा आज भी उनको बेचने वाले उससे ऊपर ही पैसे कमा रहे हैं। वो जाहिर है करेंसी डी वैल्यू और पाकिस्तान में जो आपकी जो गाड़ी है जो उसका 7% या 10% उसका डेप्रिसिएट होती है, ऐसा कोई कानून लागू नहीं होता, तो जिसका जो दिल करता है वो उस प्राइस में लगा देता है गाड़ी और इस तरह जनाब आप अपनी जो है वो गाड़ियाँ सेल कर रहे हैं। तो मुझे हैरत है उन लोगों पे कि जो इतनी इतनी पुरानी गाड़ियाँ सेल कर रहे हैं 15-15, 16-16, 17-17 लाख की, और हैरत है उन लोगों पे जो वो ख़रीद रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपकी हार्ड अर्न कोई इतनी ज़्यादा फजूल है कि आप सिर्फ एक गाड़ी लेने के चक्करों में ये चीज़ भूल जाते हैं कि यार उस गाड़ी के अंदर फीचर किस तरह के हैं, गाड़ी की हालत कैसी है, गाड़ी कितना लॉन्ग टर्म चलने वाली है, कितना फ़ायदा देगी, कितना नुकसान देगी आपको। तो ये चीज़ें हम जो है ना वो भूल जाते हैं, वो इसलिए कि हमारे अंदर एक बेसब्री वाला फैक्टर पाया जाता है। वो बेसब्री ये है कि हमने जो है वो ऑन द स्पॉट गाड़ी चाहिए। इसी वजह से ही आपके मुल्क के अंदर कार माफिया तो अलग बात है, ऑन माफिया भी जो है वो इस लेवल तक पहुंच गया है कि आप उनसे जान छुड़ाना अब आपकी मुश्किल हुई है। तो बेहतर यही है कि जब भी आप अपनी मेहनत की कमाई को कहीं जो है ख़र्च करें तो कोशिश ये करें कि सबसे पहले आप थोड़ा सा जो है वो सब्र रखें, और गाड़ी लेने से पहले, लेते वक्त और लेने के बाद उसकी अच्छी तरह इंस्पेक्शन करवाएं कि अगर आपने किसी पॉइंट पे एग्री होकर गाड़ी ले भी ली है तो उसको फिर भी चेक करवाना इसलिए ज़रूरी है कि कल को आप अपनी फैमिली के साथ बाहर निकले हुए हों, किसी के साथ जा रहे हों, या किसी ज़रूरी जगह पर आपने टाइम पे पहुंचना हो और वो गाड़ी रास्ते में आपको धोखा दे दे, तो मुझे नहीं लगता कि लाखों रुपए ऐसी चीज़ पे लगाने का कोई फ़ायदा हुआ। इससे बेहतर ये है कि मैं 500,000 रुपये देकर उबर करीम से कोई गाड़ी मंगवा के या रक्षा मंगवा के जो है वो उस जगह पर पहुँच जाऊँ, मुझे मेरी अपनी कम्यूट रखने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो यही मैं उनको भी थोड़ी देर पहले समझा रहा था और यही मैं अपने व्यूअर्स को भी बताऊंगा कि गाइस कोशिश करें कि अगर आपके पास उतना बजट बन रहा है तो नई गाड़ी की तरफ जाएं, और अगर नहीं बन रहा तो इतनी पुरानी गाड़ी की तरफ भी ना जाएं कि वो आपके
उतने ही पैसे लगवा दे कि जितने आप डाल के नई गाड़ी ले सकते थे। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी जो है वो पॉइंट का मकसद समझ में आ गया होगा। अभी ये सिर्फ एक शेवरले है जिसकी वजह से उनको एक मसला हुआ है, एक 2006-07 मॉडल है जो अब 2022 में ऑलमोस्ट आपके ख्याल से तो वो उनके ख्याल से बहरहाल तो वो नहीं होगी, बहरहाल मेरे ख्याल से वो कोई 15 साल पुरानी गाड़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि जो है वो अगर तो किसी के पास ऑप्शन नहीं है और फिर वो लेना चाह रहे हैं, वो तो फिर आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। मैं बता रहा हूँ कि उसके अंदर प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं, क्या क्या रीजंस हो सकती हैं कि जिसकी वजह से आपको अपने फैसले पे पछतावा होगा। तो जितनी भी पुरानी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, अगर आप उनको डीवैल्यू करना चाहते हैं तो पहले उनको खरीदना बंद करें, क्योंकि जितने ही कम लोग उसको खरीदेंगे उतनी ही वो डीवैल्यू होगी मार्केट में, उतनी ही सस्ती होगी और उतने ही जो है वो पैसे देते हुए अगर उसके बाद मसला भी आ जाता है उसके अंदर तो आपको दुखेगा नहीं। तो पुरानी गाड़ी को डीवैल्यू करने का तरीकाकार यही है कि आप उसको ख़रीदना छोड़ दें ताकि उसकी डेप्रिसिएशन उस पर अप्लाई हो और लोग उसको उस पैसों में बेचें कि जिन पैसों पे उसको बेचने का इस वक्त राइट बनता है। तो उम्मीद है कि ये थोड़ा सा जो है ना आप लोगों के लिए ये टिप जो है वो फ़ायदेमंद होगा कि जब आप गाड़ी ख़रीदने जाएँ तो आप कोशिश करें कि गाड़ी वो लें कि जो इस वक्त मार्केट में इन है और एटलीस्ट थोड़ी चली हुई है या बहुत ज़्यादा नहीं चली हुई। और जनाब ये ट्रक वालों को देखें हाल क्या हुआ है, अभी ये मेरे आगे आगे गाड़ी मार दी है इन्होंने, खड़ी कर दी है बल्कि, तो अभी मैं जो है जनाब इनके अंदर ठोकने लगा था। तो ये हाल है पाकिस्तानी ट्रैफिक का। अलबत्ता ये तो एक अलमी है कि सारी ज़िंदगी ऐसे चलेगा, तो आप लोग जब भी गाड़ी ख़रीदने जाएँ तो मेक श्योर करें कि गाड़ी जो है वो अच्छी हालत में हो और कोशिश करें कि उसकी इंस्पेक्शन करवाएं ख़रीदने से पहले, पैसे देने से पहले और हर तरह की। वह आपका राइट है कि जब आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो उसको हर तरह से चेक करें, जब आपने ख़रीद ली है फिर भी चेक ज़रूर करवा लें, बगैर चेक किए भी ख़रीद लिए, किसी दोस्त से ख़रीद लिया फिर भी उसको ज़रूर चेक करवा लें ताकि आपको फ्यूचर में जो है परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो गाइस ये एक टिप थी, उम्मीद है कि आपको जो है वो बात पसंद आई होगी और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो काइंडली जो है वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। और इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे न्यू वीडियो में जल्द ही, तब तक अपना और लोगों का ख्याल रखें जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।